पार्टी को मैसेज नहीं है, पूरे देश के लिए मैसेज है कि अभी हमारे संविधान पे हमला है। ये तो क्लियर कट जो है आर्टिकल 14 जो है जो सबके बराबर दिखता है, इक्वालिटी ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो कहता है उसके खिलाफ है पहली बात। और दूसरी बात जो है जिस तरीके से कहा जाता है, गृहमंत्री अमित शाह की खुद की कहना ये है कि वो पहले सीए भी लेके आएंगे और उसके बाद एक पूरे देश में एनआरसी लेके आएंगे, और बाद में कहते हैं कि दो अलग चीज़ है, दो अलग अलग तरीके से। पर जितने भी इनकी रैली है, जितने भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है बंगाल के वगैरह देखेंगे तो वो पूरी अच्छे से बताते हैं इसको, इसका पूरा आप वो समझिए, पहले जो है क्रोनोलॉजी समझिए, पहले जो है सीए भी आएगा उसके बाद जो है एनआरसी आएगा। तो इसमें समझना जरूरी है कि सीए भी क्यों लेके आ रहा है, क्योंकि वो पूरा देश में एनआरसी करना चाहता है, और एनआरसी का रिजल्ट अगर जैसे आसाम जैसे उनका पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट आए तो वो उसको हटाना चाहते हैं, कि इसीलिए उन्होंने सीए भी इस तरीके से लेके आया एनआरसी का रिजल्ट पॉलिटिकली कन्वीनियंट होके आ जाए, जितने भी दूसरी है उनको क्लियर कर दे और एनआरसी में बाद में जो है सिर्फ मुसलमान आए। पर प्रोसेस के थ्रू जैसे नोटबंदी में सबके उसमें जाना पड़ा, वैसे चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सबको जाना पड़ेगा, और अगर गरीब हिंदू है जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो पहले जो है उनसे नागरिकता छीनी जाएगी और उसके बाद उनको बाद में जो है एप्लीकेशन करके नागरिकता मिली जाएगी। ये तो नोटबंदी जैसे हो गया, पहले हमसे पैसा ले लिया जाएगा और उसके बाद 3 महीने बाद हमें अगर वापस देंगे तो हमें उससे खुशी मिलती है। जैसे एटीएम में 3 महीने के बाद पैसा आया तो हम सब हंसने लगे, अरे आ गया, इधर आ गया, उधर आ गया, पहले हमें नागरिकता छीनी जाएगी और 3 महीने बाद हमें मिल जाएगा तो हमें लगेगा ये सरकार ने कुछ तो दिया, जो आपके पास थे वही चीज़ लेके वापस 3 महीने देंगे तो हम सबको लगेगा वाह। तो और दूसरी जो मुसलमान है उनको तो कहेंगे कि उनको डरा धमका के रखेंगे कि आपको डिटेन करना है या डिपोटेशन करना है। ये कहते हैं कि इंडियन मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, उनसे ये सवाल पूछना चाहिए आप तय कैसे करेंगे कि कौन इलीगल इमिग्रेंट है और कौन नहीं है, उसका जवाब है डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब जो है इलीगल इमिग्रेंट ऐसे लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ऐसे में जो है आप इलीगल इमिग्रेंट मुस्लिम्स मतलब क्या हो गया फिर, ऐसे लोग ऐसे मुसलमान जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये उनसे पूछना चाहिए कि किसकी जिम्मेदारी ये डॉक्यूमेंट देना, सरकार की जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है डॉक्यूमेंट रखना सारे जनता की, सरकार की है। अगर सरकार के फेलर के लिए जनता क्यों परेशान हो, सरकार के फेलर के लिए जनता क्यों कुर्बानी हो, ये नहीं हो सकता। एक बार हो चुका है नोटबंदी के दौरान, दूसरी बार हो चुका है जीएसटी के दौरान, तीसरी बार 370 जैसे किया उसके बाद इनको पता नहीं है क्या क्या करना है, अभी 4-5 महीने हो गया, अभी नॉर्थ ईस्ट में भी इन्होंने जंग छेड़ दिया, उसके बाद सारे देश में भी जो है इस तरीके से एनआरसी करेंगे, ये करना क्या चाहते हैं इनको ही क्लैरिटी नहीं है। ये जो सड़क के पीछे भागने वाले कुत्ते जैसे जा रहे हैं उसके बाद वहाँ तक पहुँचते हैं, गाड़ी तक पहुँचते हैं, उसके बाद उनको पता नहीं होता करना क्या है। तो ये चल रहा है, मुझे लगता है कि ये पूरे देश को जो है बर्बादी की ओर लेके जा रहा है, इसलिए लड़ना जरूरी है। एक चीज़ और है, ये सीएबी जो है सिटीजनशिप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है, पर अगर स्टेट गवर्नमेंट ये इस चीज़ को क्लियर है तो इनको सिर्फ इतना ही कहना है कि एनपीआर और एनआरसी, जो एनआरसी से पहला जो स्टेप है वो है एनपीआर, इस बार जो है एनपीआर के थ्रू एनआरसी लेके आएंगे। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है उसका नोटिफिकेशन कई सारे सरकारों ने भी निकाला भी है, उस पर उनको रिविजिट करना चाहिए और उस पर ये बोलना चाहिए कि हम इस तरीके का एनपीआर जिसमें सिटीजनशिप और जिसमें डिप्लोमेंट माना जाता है वो इस तरीके के एनपीआर हम अपने अपने प्रदेश में होने नहीं देंगे। अगर ये कहेंगे सारे मुख्यमंत्री तो अगर इनका जो डिज़ाइन है पूरे देश में हम एनआरसी कर बैठेंगे और उसके कारण 2024 में फिर से चुन के आएंगे, ये जो इस तरीके से हिंदू मुसलमान बंटवारा करेगा ताकि इसको हम फेल कर सकता है, अगर जितने भी मुख्यमंत्री ये क्लियर कर दें कि हम एनपीआर नहीं लागू करेंगे जिसमें सिटीजनशिप का हो और एनआरसी तो वैसे ही उसके बाद